बिग बॉस 17 आ गया है नए अवतार में, नए चेहरे और कुछ नए रूल्स के साथ। शो में इस बार बहुत ही पॉपुलर फेसेस को लाया गया है और सबका ही फैन बेस एक से बढ़कर एक है। इस साल सबके बीच गजब की टक्कर होने वाली है, पर वो सब देखने से पहले मैं आपको इस साल के सभी कंटेस्टेंट से रूबरू करवा देती हूँ, ताकि आप जब शो देखें तो आपको कोई अनजान ना लगे। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी स्टोरी गर्ल मोनिका, और चलो बात करते हैं इस साल के सभी कंटेस्टेंट्स के बारे में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखते रहने के लिए स्टोरी गर्ल मोनिका को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मानरा चोपड़ा बॉलीवुड की चोपड़ा फैमिली की एक और बेटी है, और प्रियंका चोपड़ा और परिणीति चोपड़ा उनके पापा की तरफ से उनके कजिन्स हैं। मानरा 2014 से इस इंडस्ट्री में एक्टर बनने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन उनकी आज तक एक भी मूवी हिट नहीं रही, इसलिए 9 साल काम करने के बाद भी उनको आज कोई नहीं जानता। पर बिग बॉस के घर में वो काफ़ी उम्मीदें लेकर आ रही है कि उनके करियर को एक बूस्ट मिल जाए। अंकिता लोखंडे और विक्की जैन। अंकिता और विक्की इस साल की सबसे पहली जोड़ी है जो कहीं ना कहीं इस साल दिल का खेल खेलने बिग बॉस में आ रही है। फैंस अंकिता को देखने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, क्योंकि अंकिता अपने कपड़ों के अलावा काफ़ी ज़्यादा अनफिल्टर्ड तरीके से रहना पसंद करती हैं, जिसकी झलक हमने स्मार्ट जोड़ी में देखी थी, और उसी रूप को बिग बॉस में 24/7 देखने में ऑडियंस को बहुत मज़ा आ सकता है। पर क्या पता अंकिता का पेशेंस लेवल भी टेस्ट हो जाए। जिग्ना वोरा की कहानी हम सब ने नेटफ्लिक्स की सीरीज स्कूप में देखी होगी, जहां करिश्मा तन्ना ने जिग्ना का रोल निभाया था और कई अवार्ड्स भी जीते। अगर आपने ये सीरीज नहीं देखी है तो मैं आपको बता दूं कि जिग्ना एक क्राइम रिपोर्टर थी, और उन पर 2011 में जर्नलिस्ट ज्योतिर्मॉय डे के मर्डर का झूठा इल्ज़ाम लगाया गया, जिसके लिए उन्होंने 9 महीने जेल में भी निकाले, और जिग्ना ने उस पर एक बुक लिखी, बिहाइंड बार्स इन बाइकुला माई डेज इन प्रिजन। ईशा मालविया। ईशा इस साल की सबसे यंग कंटेस्टेंट होंगी, और वो सिर्फ 19 साल की है। इससे पहले पिछले साल सुम्बुल भी इसी उम्र में बिग बॉस के घर में आई थी, पर वो गेम ठीक से नहीं समझ पाई और उनकी जर्नी इतनी अच्छी नहीं रही। अब ईशा कितनी समझदारी से ये गेम खेलती है वो हम सबके लिए देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। ईशा ने इतनी छोटी उम्र में ब्यूटी पेजेंट्स तो जीते ही हैं, पर साथ में एक्टिंग में भी अपनी बहुत अच्छी पहचान बना ली है। अभिषेक कुमार को हमने ईशा मालविया के साथ सीरियल उडारिया में देखा है। इसके अलावा अभिषेक ने अपने करियर में बहुत सारे म्यूजिक वीडियोस पे भी काम किया है, और वो सोशल मीडिया पर भी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ के साथ फन रील्स बनाने के लिए पहचाने जाते हैं। इन सब के साथ साथ वो अपना एक यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं, जिसका नाम है एबी बॉर्न टू शाइन, और उनके जल्द ही 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं। मुनावर फारूकी एक स्टैंड अप कॉमेडियन और रियलिटी शो लॉकअप के विनर हैं। एक रियलिटी शो जीतने के बाद मुनावर बहुत से म्यूजिक वीडियोस में नजर आए, और तब से ही इनका नाम कभी खतरों के खिलाड़ी के लिए तो कभी बिग बॉस OTT के लिए सामने आ रहा था। पर फाइनली उनके फैंस का इंतजार खत्म हुआ और वो हमें बिग बॉस 17 में नजर आएंगे। अब वो अपना वही पुराना लॉकअप वाला गेम खेलते हैं या बिग बॉस में अपने फैंस को कुछ नया दिखाते हैं, वो देखना बड़ा दिलचस्प होने वाला है। ऐश्वर्या शर्मा और नील भट्ट। स्मार्ट जोड़ी से इस बार दो जोड़ी बिग बॉस में आई है, एक अंकिता और विक्की और दूसरा ऐश्वर्या और नील। ऐश्वर्या में हमेशा से हर चीज़ को जीतने का एक नेक्स्ट लेवल जुनून है, और उसी वजह से उनको और नील को हमने स्मार्ट जोड़ी में कई बार लड़ते हुए भी देखा था, क्योंकि नील कई बार उनके हिसाब से परफॉर्म नहीं करते थे, और यही चीज़ हमें बिग बॉस में ज़रूर देखने को मिलेगी। बिग बॉस टास्क से ज़्यादा आपकी पर्सनैलिटी दिखाने का शो है, और ऐश्वर्या का ये जीतने का जुनून उनको काफ़ी कॉन्ट्रोवर्सीज में घेर सकता है, बट जो भी हो ऑडियंस को तो मज़ा आने वाला है। फिरोज़ा खान। हसल 2.0 की हिप हॉप रैपर फिरोज़ा खान, जो खुद को खानजादी भी कहती है, वो भी आ रही हैं बिग बॉस 17 में। फिरोज़ा के पापा अफगानिस्तान से हैं और माँ असम से हैं, और वो बचपन से हमेशा से टॉम बॉयज रही हैं, लेकिन बड़े होने के बाद उनके सपने इतने बड़े हो गए कि उनके घर वालों ने उनको समझा नहीं, तो वो कई बार घर से भागी, और जब वो 5वीं बार घर से भागी तब वो हसल 2.0 के लिए मुंबई आ गई, और वहाँ से उनका आज़ादी और लेडी डॉन सॉन्ग बहुत वायरल हो गया, और अब वो अपना एक अलग साइड दिखाने बिग बॉस में आ रही हैं। नाविद सोल।
नाविद एक लंदन बेस्ड फार्मासिस्ट हैं और वो लंदन में ही दो फार्मेसी ओन करते हैं, पर बिजनेस करने के अलावा वो मेनली मल्टीपल रियलिटी शोज और डेटिंग शोज में आने की वजह से पॉपुलर है। इनको हमने कई शोज में देखा, जैसे कि द एप्रेंटाइज, ईटिंग विद माई एग्स, रिच किड्स गो स्किंट, जज रिंडर एंड सेलेब्स गो डेटिंग। इस शो में तो नाविद को हमने सेक्सुअलिटी के बारे में भी बात करते हुए देखा, जहां उन्होंने बताया कि वो अभी वर्जिन है। अब इतने शोज का एक्सपीरियंस बिग बॉस में देखो नाविद को कैसे हेल्प करता है। अनुराग धोपल एके यूके 07 राइडर। अनुराग मोटो वीलॉगिंग की दुनिया के सबसे बड़े नाम माने जाते हैं। अनुराग देहरादून उत्तराखंड के बहुत ही छोटे से गांव से आते हैं, लेकिन अपनी बाइकिंग को लेकर प्यार की वजह से आज वो इस मुकाम तक पहुंच गए। ये उनके यूट्यूब पर UK07 राइडर के नाम से अपना चैनल है और उसके 7.2 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। अरुण श्रीकांत मशेती, हैदराबाद के मशहूर यूट्यूबर अरुण भी इस साल बिग बॉस का हिस्सा बनने जा रहे हैं। वो यूट्यूब पर अचानक भयंकर गेमिंग के नाम से अपना यूट्यूब चैनल चलाते हैं, जहां उनके ऑलमोस्ट 3 लाख सब्सक्राइबर्स हैं। वो भी अपने वीडियोस पर गाली गलौज बहुत करते हैं और कहीं ना कहीं अरुण ने उसी को अपनी पहचान बना लिया है। अब ये गाली देने की उनकी आदत बिग बॉस में उनके लिए कितनी परेशानी खड़ी करती है वो तो वक्त ही बताएगा। रिंकू धवन जिनको सब उनके एक्स हस्बैंड किरण करमारकर की वजह से रिंकू करमारकर के नाम से भी जानते हैं, वो भी इस साल आ रही हैं बिग बॉस में। रिंकू को सीरियल कहानी घर घर से इस इंडस्ट्री में पहचान मिली और वो तब से ही बैक टू बैक काम कर रही हैं। रिंकू एक बार अपने एक ताई के रोल के लिए खुद गंजी तक हो चुकी हैं, इस तरह का डेडिकेशन है उनके अंदर। सोनिया बंसल, आगरा की रहने वाली सोनिया एक बॉलीवुड और टॉलीवुड एक्ट्रेस है जिन्होंने मूवी गेम 100 करोड़ का से अपना बॉलीवुड डेब्यू किया था, लेकिन इससे पहले उनकी नॉडी गैंग और धुबकी हिंदी मूवीज रिलीज हो गई और 2023 में इनकी 2 तेलुगु मूवीज भी आ रही हैं, लेकिन आज तक उनकी कोई भी मूवी हिट नहीं रही, इसलिए अपने करियर को हाइक मिलने की उम्मीद से वो आ रही हैं बिग बॉस 17 में। सनी आर्या एके तहलका प्रैंक। सनी YouTube पर अपनी प्रैंक वीडियोस की वजह से बहुत ही जाना माना नाम है और वो तहलका प्रैंक के नाम से अपना YouTube चैनल चलाते हैं और उनके YouTube पर 3.7 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। सना रहीस खान, सना पेशे से एक लॉयर है और वो अपने करियर में काफ़ी सेलिब्रिटीज़ के केस हैंडल कर चुकी हैं, स्पेशली शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान का ड्रग्स केस, और वहीं से वो लाइमलाइट में आ गई और अब वो आ रही हैं बिग बॉस 17 में। आपका इस साल का फेवरेट कंटेस्टेंट कौन है जिसे आप इस साल की ट्रॉफी जीतते हुए देखना चाहते हैं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखते रहने के लिए स्टोरी गर्ल मोनिका को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपसे मिलूंगी जल्दी नेक्स्ट स्टोरी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।